सुनतेगानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आज तो बड़ा आपने रंग निकाला हुआ है। बचते बचांदे आए ना सर। क्यों? रस्ते लेलिया की डार आ रही सी, तेनू डर सी कि घा समझ के मेरे ना पै जाना। ठाकुर साहब भी बड़े अच्छे इंसान है, अपने हाथ से दंदी वढ़ रहे। क्यों? मैं कह कहते मैं चेक कर रहा, मैं बेहोश तो नहीं। मैंने कभी फेस पे मुस्कुराहट नहीं देखी, मुझे लगता है बड़े लड़ाके से इंसान है। अरे यो जो बंदे बरात दे विच सेबे वाला बम सुट के कह रहे होंदे, जे मेरी नहीं ना रही थी ओदी भी नहीं रहेगी। चिड़ियाघर जाकर रेश नूं कह रहे सन, तेनू साडे नाल दुश्मनी महंगी पैगी। एक बार बिल्ली नूं सोटी मार के ते मल्ले ही दस, अज मेरी शेर दी खाला नाल लड़ाई होई। वासे भाई है ग्रेट इंसान, आज तक कड़ी भी अच्छी पाई माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन वासे भाई कितने दी कड़ी? सही दसो। याद नहीं मुझे, काफी पुरानी है। काफी पुरानी मसलन की टीपू सुल्तान ने गिफ्ट की थी तन्नू। ठाकुर साहब ने कड़ी दी थी तो सेल चट्टी जान, मैं क्या की कहने चमिंज मेरे च करंट आएगा। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा शाजिया रिजवान। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब तशक्कुल अब्बास बड़ाई। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं सर। मैंने बड़ी कोशिश की सर आपकी शख्सियत पे शेर लिखने की, लेकिन नाकाम हुआ सर। शुक्रिया जी, पहले भी बड़े नाकाम हो चुके हैं जी। आज मेरा शेर थोड़ा सा आसमानी है सर। खुदा ने क्यों दिल दर्द आशना दिया है मुझे, इस आग ही ने तो पागल बना दिया है मुझे। तुम्हें को याद ना करता तो और क्या करता, तुम्हारे बाद सभी ने भुला दिया है मुझे। हाय हाय। माना के वक्त सता रहा है, ओ माय गॉड, मगर कैसे जीना है बता रहा है। जिसको आपने अंदर करवाया था शाजिया बाजी, सुना है वो शख्स बाहर आ रहा है। सुना है शाजिया जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको आइडिया भी है? मैं अभी बैठी इस चीज़ का जिक्र भी कर रही थी, मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम है और मैं बड़े शौक से देखती हूँ। और माशाल्लाह ठाकुर साहब की उनकी जो कन्वर्सेशन है, जो बातें हैं, बड़ी लाइक भी करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है मैं इस प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जड़ियाँ मिठिया मिठिया गल करके तुम बंदे अपने हल कर लेंगे ना, ये नूली गल ही कर सकते हैं सर। मैं बाजी के नाल कैसा लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो शकुल साहब आपके क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है सर। आपने गुजरांवाला से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और आप वहाँ से जीत कर आजाद उम्मीदवार के तौर पे आए और अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं। जी बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? पहली बात तो ये है, कुछ चीजें जीन्स में होती हैं। अच्छा, तो खानदानी पॉलिटिक्स का कुछ, है मामला, इसलिए मैंने जीन्स पहनना छोड़ दिया। हाँ जी। कुछ ऐसा भी सिलसिला था और इसके साथ साथ कुछ अपनी आवाम की खिदमत का भी था और कुछ जो आज के दौर में आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो हालात हैं, जो मामलात हैं इस मुल्क के, उसमें कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें, इस चीज़ का कुछ दिल में ख्याल भी था, उसके लिए हम भी इस पॉलिटिक्स। आप दोनों फर्स्ट टाइम एमपीए बने हैं और पहली बार पंजाब असेंबली में गए, तो कैसा लगा है असेंबली में जाके? इंसान टीवी पे देखता है तो ज़रा और ऑब्जर्वेशन होती है, अंदर जाके देखता है तो बंदा कहता है अच्छा भाई ये जगह है जहाँ पे आना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट द जगह, मैं ये समझता हूँ कि इट्स अबाउट द प्रेस्टेज कि आपको आपके हल्के के 4.5 लाख लोगों का नुमाइंदा बना के आप वहाँ पे गए, अगर आप उसका हक अदा वहाँ जाके कर सकें तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं। और जो तो पहली बार गए ने तो इतने बंदे नु पूछ रहे ने इतने जिथे असी लड़ना उस जगह कितने है? लड़ाई नहीं होती, अपना अपना ओपिनियन होता है, आइडिया होता है, जो आप लोग अपने हलके के लिए आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, अपने हलके को जो डिलीवर करना है उस पर पॉइंट आउट होते हैं और एक दूसरे की ये नहीं कहते कि लड़ाई होती है। अगर उनका पॉइंट हमें नहीं अच्छा लगेगा तो वो हमें उठाते हैं, ये आपका पॉइंट ही गलत है, आपका फलाना काम करते, क्रिटिसिज्म होती है,
लेकिन लड़ाई नहीं होती। तो बोतलें वाई दी को अपनी मशहूरी नहीं आई। अच्छा जी, तुसी जित गए आ जाएगी। अगर मुझे ये बताइए कि आपकी मुलाकात हुई है तशक्कुल साहब से असेंबली के अंदर? जी जी, देखा हुआ आपने? हाँ जी, सलाम दुआ होती है। सलाम दुआ होती रहती है। तो यानी कि ये तो चले अच्छी बात है कि आपको पता, क्योंकि इतने नए लोग आए हैं इनकी साइड से कि आप पहली बार चेहरे देख रहे हैं, आपने अमूमन पहले नहीं देखे होते, तो यू गाइज नो ईच अदर। हाँ जी, अब ठीक है। और ये लोग ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे ऑपोजिशन के अंदर वहाँ पे? एक चीज़ की बड़ी खुशी है मुझे पंजाब असेंबली में आके, बहुत सारे लोग नए चेहरे, यंग लोग, चाहे वो ख्वातीन हैं चाहे वो मेल हैं, माशाल्लाह असेंबली में लग रहा है कि यंग जनरेशन ने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, और ख्वातीन ने कब्जा कर लिया। इस दफा जो असेंबली लग रही है वो ख्वातीन की लग रही है, आई थिंक। हमारे पास एक भी रिजर्व नहीं है, हमारी सारी रिजर्व इन्होंने छीन ली है। हमने नहीं छीनी, हमने नहीं छीनी, हमने नहीं छीनी। आप इलेक्शन कमीशन से जाके इनडायरेक्टली अपना पॉइंट वहां पे उठाइए। अगर तुम ना छीनी है तो तुम्हारा हाथ सारा निकल रहा है। देखो हूं तो साढ़ा हसन का मौका है, तो हूं तो हसन का। अब आप मानती हैं कि आप लोगों को हंसने का मौका? देखिए, मैंने अभी एक बात की कि जो क्रूशल टाइम हम लोगों ने देखा, जो फेज़ हम लोगों ने गुजारा, वो बहुत मुश्किल था। अभी तो इन्होंने थोड़ा सा टच देखा तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पार्टी छोड़ के आधे लोग चले गए। हाँ। हम लोगों ने बड़ा कुछ फेस किया, हमारे सारे लीडरान को अंदर किया गया, उन पर केसेस बनाए गए, मेरे किया गया, फिर बाहर किया गया, फिर हम लोगों ने अदालतों को फेस किया, हम लोगों की जेलें हुई, हम लोगों को बड़े बड़े हमारे पर इल्जाम लगे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे बताइए कि वो जो मियाँ साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, वो किसको कहते थे? मैनू कहते सी, मैं उन्होंने मेल नहीं सी रहा। नहीं नहीं, आप तो नहीं कहते थे। मियां नवाज शरीफ साहब मेरे कायद, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान बड़े अच्छे डगर पे चल रहा था, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली थी, और ये हमेशा अलमिया रहा है कि जब भी तरक्की और खुशहाली होती है तो उस लीडर के पीछे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उनकी सीट से उन्हें हटा दिया गया। क्यों? वो तो एक अकामा और वो क्या कहते हैं पनामा की बुनियाद बना के मेरे कायद को हटाया गया, और वो साबित भी नहीं कर सके। और आज पाकिस्तान की जो मईशत बुरी तरह तबाह हुई है सिर्फ उसी वजह से हुई, अगर वो अकामा और पनामा की बुनियाद ना बनते, उनको क्रिटिसाइज ना किया जाता उस जमाने में, तो आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की और खुशहाली की डगर पे चल पड़ा। 120% मैं आपसे एग्री करता हूँ। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह मियाँ साहब कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और बेचारे इतना बोलते रहे उसके बारे में, लेकिन था कौन वो? देखिए था कौन, हर चीज का नाम नहीं लिया जाता, सबको पता है था कौन। तुम लिख के दे दो, पढ़ लो। हुक्मरानों को पता है कि पीछे कौन था क्या सीन था, लेकिन ये है कि हमने उस चीज़ को फेस किया। आज वो मेरी सीएम भी आपके सामने, जो वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान पूरे पंजाब की वज़ीर आला बनी बैठी हैं, और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि उनकी जो कारकर्दगी वो मिसाली है, वो एक महीने में वो काम कर चुकी हैं जो 4.5 साल दौरे हुकूमत में जो हमारे हुक्मरान थे वो नहीं कर सकते। एक महीने में क्या? अगर मैं सेहत के हवाले से देखूँ तो आप एयर एम्बुलेंस उन्होंने लॉन्च की, उसके बाद घर तक जो सफरी अद्वियात हैं वो एक माह के अंदर हर जो मरीज है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो शुगर पेशेंट है, उनको फ्री अद्वियात घर तक की दहलीज पे मिलेंगी। उसके बाद जितने भी हमारे मिलेंगी इंशाल्लाह एक महीने अच्छा, के अंदर, और उसके बाद जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं दही मराकज में, जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं वो सीट्स मंगते टाइम पीरियड में रीवैम्प हो रहे हैं, सारे नए हो रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए जितने भी हमारे 600 बड़े रोड्स हैं, जो बड़े रोड्स हैं वो सारे रेनोवेट हो रहे हैं, उसके बाद 3 बड़ी मेगा जो एक्सप्रेस वे हैं वो बन रही हैं, मोटरवेज बन रही हैं, और इंशाल्लाह एक महीने में ही बन गए। आपको ये काम सिर्फ वक्त और कागजी नजर नहीं आएंगे, इन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और बाकायदा जो हमारे एग्रीकल्चर हैं, जो हमारे देसी जो काश्तकार हैं, उनके लिए आसान हिसाब पे जो कर्जे हैं वो उनकी फरहमी मुमकिन हो रही है। उसके बाद जो हमारी मोटरसाइकिल जो उन्होंने लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको एजुकेशन को देख लें, स्पोर्ट्स को देख लें, हेल्थ को देख लें, और उसके अलावा मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने काम ना किया। शकुल भाई तुम क्यों सोच रहे कि जो उन्होंने काम कराए हो रहे हैं कि वैसे गलें बढ़ी हैं? गलें ही बढ़िया हैं। बात ऐसे है कि अभी तक मुझे तो प्रैक्टिकली कोई काम नज़र नहीं आया। आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं कि कल परसों असेंबली की फ्लोर पे भी ये बात हो रही थी कि आप कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, आप बज़ाहरी नमूदों नुमाइश वाली चीज़ों पे जा रहे हैं, आटे के थैले के ऊपर तस्वीर वाली चीज़ों पे जा रहे हैं, आप स्कूटियों पे जा रहे हैं, जिस तरह पहले लैपटॉप एक स्कीम थी, वो अच्छी स्कीम थी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप उसको बज़ाहिर दिखाने के लिए आप गलत साइड पर जा रहे हैं। आपके लाहौर शहर के अंदर कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी बेडिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उन हॉस्पिटल्स के दरवाज़ों पर मरीज़ मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप 500 किलोमीटर दूर से जाके एयर एम्बुलेंस से एक और मरीज़ ला के उन्हीं लोगों के साथ बिठा देंगे। एयर एम्बुलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली तो डेवलप्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट है ना जी, कि जहाँ पे मतलब इस किस्म की टेरेन हो जहाँ से जाके आप मरीज़ को ले के आएँ और फिर काम चलता,
यहाँ पे हमें इस किस्म की नहीं, आप देखें रीवैम्प करें, छोटे हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे RHCs हैं, BHUs हैं, THQs हैं, आप उनको पहले अपग्रेड करें, वहाँ की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करें, उसके बाद आप आगे वाली चीज़ों की तरफ जाते हैं। आप डायरेक्टली हेलीकॉप्टर भी चलाएं, आप बताएं ना वो जो बुजार साहब ने सारा कुछ किया था उसकी लिस्ट बताएं सर। आप सिर्फ सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ सर हेल्थ कार्ड जैसा काम आप एक मुझे दिखा दें, ये उसी का जो है ना ये मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सानू फायदा नहीं, जो अभी बीमार हो हेल्थ कार्ड बंद हो गया वो जिनके लीडर ने उनको खिताब क्या दिया था जी, वसीम अकरम प्लस, वो खिताब जिनके लीडर का ऐसी चॉइस होगी तो पंजाब का क्या हाल होना है। जो कार्ड की जो बात कर रहे हैं ना, इनिशिएटिव जो उठाया था वो मेरे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उठाया था, और जाहिर है उनकी इनकी तो आदत ही, हर जो काम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुए हैं उनके ऊपर इन्होंने अपना ठप्पा, अपनी वो कहते हैं ना एक जो तख्तियाँ लगी थी उनके ऊपर अपनी तख्ती लगा देना, तो ऐसे काम इनके ज़ुमरे में नहीं आएंगे। ये सारे अच्छे काम मुस्लिम नून ही करती आई है और उन्होंने ही किए। तो जो लोग ऐसे वज़ीर आला को अपना लीडर मानते हैं, सोचिए उनकी सोच कैसी होगी। आप इतने ज़बरदस्त जवाब देती हैं, मैं बड़ा आपका कायल हूँ, मुझे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कह रही हैं कि मैंने कौन सा सवाल किया, आपने बुज़दार की बात की, मैंने उसका जवाब दिया। अपने सवाल को तो उस शख्स से रख के बैठो, आपने बुज़दार की बात की। मैं आपसे एक मिनट रुकता हूँ, आप लोगों को याद है कि मैंने इनसे क्या सवाल किया था एक महीने में, आपने क्या किया? नहीं, उससे पहले भी एक सवाल किया था मैंने। वो कौन था? कि वो कौन था, बिल्कुल, कि वो कौन था जिसको मियां साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला? जी वो कोई नहीं था। वेलकम बैक, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इख्तियार अली। मेरा क्वेश्चन मिस से है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहब हैं जो, उन्होंने कहा है कि हम वाईफाई फ्री दे रहे हैं रोड्स पे, जैसे दूसरी तरफ देखा जाए तो वो सोशल मीडिया को बैन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि सोशल मीडिया तो बैन कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम है, जो वक्त की ज़रूरत है, वो सोशल मीडिया नहीं है, वो खाने की ज़रूरत है, आवाम को जॉब्स की ज़रूरत है, उस तरफ कॉन्सनट्रेट क्यों नहीं कर रहे? तुहाडे वालां तुहाडे ज़हीनी ही तुसीं लगदे। आपने जो पॉइंट उठाया, आपने पहले वाईफाई की बात की, आईटी सेक्टर की बात की, आईटी सिटी आपको पता है लॉन्च हो चुका है, और इंशाल्लाह भी एक महीने में वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च हुए हैं, उन पर काम होना शुरू हो चुका है। मैंने अभी एक बात आप सबसे कही थी कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा थंबर रखें। आप लोगों ने इतने बुरा वक्त प्रीवियस 4.5 साल दौरे हुकूमत में देखा, और यही आवाज़ उस टाइम रखते तो शायद वो लीडर भी कारकर्दगी अपनी दिखाता। वो आपका जो बुज़दार सब का था ना, वो वसीम अकरम प्लस, वो भी कारकर्दगी दिखाता, लेकिन आपने उस टाइम ये क्रिटिसिज्म, ये आवाज़ नहीं उठाई। आप कह रही हैं उन्होंने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई, उस वक्त की आवाज़ क्यों नहीं उठाते थे? सपोर्टर होंगे आई थिंक सो। आपको वैसे क्लियर करनी चाहिए थी, और आपकी भी उसके बताओ कि आपने जो जिक्र किया आप लोगों को वाईफाई फ्री देना, ये उन्होंने पूरी स्पीच में एक चीज़ कही थी, सोशल मीडिया बंद होना वो सुबह ही काम नहीं है, बाकी काम है, ठीक है, ये आपने जवाब देना था। मैं अभी जवाब दे बचाता फिर रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ब्रीफ करी थी, अगर ये आवाज उस टाइम उठाई जाती है तो शायद। अच्छा, देखिए शाजिया जी, ये एक आपको चीज क्लियर करनी है, हर यंगस्टर जो है ना वो आप क्यों समझ लेती है कि पीटीआई का है? समझ नहीं रही, उनको यकीन है। बहुत शरारती हो गया ना ये। थोड़ा सा तजिया हुआ है कि बच्चे के सवाल से अंदाजा हो रहा था। नहीं नहीं, और एक और चीज, आप जो 4.5 साल बीच में कह रही है, 4.5 साल चुप रहे, 4.5 साल में मोहसिन नकवी वाला टाइम भी बीच में आपने रगड़ दिया। हाँ जी, मोहसिन नकवी सबका टाइम जो था वो भी बड़ा अच्छा था। हाय हाय हाय, मैं कहती हूँ की क्या टाइम था, क्या नहरे बहती थी, हवा चलती थी यार, जो दरख्त खिलता था उसके अंदर, जो गुलाब के फूल मोहसिन नकवी के जमाने में खिले। हम लोग कोई भी ऐसा पॉइंट है उसको उठा के हम लोग बातें तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट करें। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। निगरान एक सेटअप होता है, वो सबका मल्टीपल होता है, उसको आप मुझे अच्छा था या नहीं था पंजाब में, हमारी गवर्नमेंट को वो क्लियर कर दे, अच्छा था या नहीं था, बेचारों को पता चले। वो उनको पता कैसे? नहीं बताए ना, आप बताए, उनको तो पता चल गया, आप बताए। हमें नहीं पता, उनको पता, आप लोगों को नहीं पता चला, वो पूरे पाकिस्तान को पता कैसे? आप बताए ना, मैं क्यों बताऊं? आप पार्लियामेंटेरियन, आप गेस्ट हैं, आपसे जानना चाहते हैं। मैं अपनी सीएम की कारकर्दगी बताऊंगी। देखिए, आपने अपने सीएम से हटके पहले बुज़दार साहब की बात की, फिर आपने कहा कि 4.5 साल, 4.5 साल में मोहसिन नकवी साहब का टाइम नहीं लपेटा गया। मैंने कहा कि उनकी कारकर्दगी भी अच्छी थी, उन्होंने भी अच्छे काम किए, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने, मैंने ये बात की। मैंने नहीं जी, मैंने मोहसिन नकवी साहब की बात की, आप बुज़दार साहब की बात, बुज़दार साहब कोई अच्छा काम मुझे भी तो बता दे, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ कोई अच्छा काम। मेरे कान
हेल्थ कार्ड आप मैंने अभी पहले पहले इसको क्लियर फाइल कर दिया। क्या वो मियां साहब का था, वो था ही नहीं उनका। उसके बाद कुछ बताएं। ठीक है। मैं शीख रहा हूँ, मैंने ये देख, मुझे ये पता है। वो बेचारा जब उससे कोई बात की जाती थी तो वो कहता है इतनी आवाज़ आंदी, दूसरे माइक की आवाज़ आंदी। इतना सादा सा वसीम अकरम प्लस उन्होंने सीट पर बिठा दिया तो बेचारे को अली बेग ही पता नहीं थी। और सी एम वो होता है जो आवाम को डिलीवर करता है, वो हकीकी आवाम का दर्द रखता है। सादा इंसान ही मैं बात ये कर रही हूँ कि आवाम के लिए क्या डिलीवर किया उसने। दो पीजे थे मेनू डिलीवर किए थे। जो मैं भी तो देखूं उसने ऐसे कौन से काम किए। एक माँ के दौरे हुकूमत में अगर आप एक बच्चा बात कर रहा है कि आवाम के लिए ऐसा क्या किया, आप अप्रिसिएशन तो देना। हर सेक्टर में काम हो रहे हैं, सुथरा पंजाब पे जिस तरह आपको पता है, आप देखिए जिस तरह पूरे पंजाब को सफाई का काम शुरू है, कम से कम उसको अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान में पंजाब में जो तरक्की और खुशहाली आ रही है, ठीक है, महंगाई का एक तूफान है मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुशत बुरी तरह डाउन हो चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हालात बेहतर की तरफ जाएंगे। मैं ये बात इस सिनेरियो में कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद और यकीन है इस बात पे कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में हमेशा जब पाकिस्तान मुस्लिम नून ने भाग दौड़ संभाली है, तरक्की और खुशहाली आई है और महंगाई पे कंट्रोल हुआ है, तो इंशाल्लाह होगा। आप लोगों को सपोर्ट और साथ की वजह से, आप लोगों का सब्र और आप लोगों का जो अमन तमल है ये चाहिए इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। मगर विद ऑल दीस थिंग्स सेड, वो सवाल तो करेंगे ना, अब जब तक उनको डिलीवर नहीं होगा जो डिलीवरेबल्स आप बता रही हैं तब तक तो वो सवाल तो रखना पड़ेगा। सबर का दर्स दे रही हूं, मगर सबर रखें। अच्छा सबर रखें तो वो सबर आपको भी तो रखना पड़ेगा ना, कि वो सवाल पूछेंगे क्योंकि आप लोगों को लाइव जवाब दे रही हूं। मैंने कहा बच्चे थोड़ा सा सबर, इंशाल्लाह अच्छे काम होंगे। मगर आप बताओ, देखें ओवर सेल ना करें, मुझे ऐसा लगता है एक महीना हुआ है आपको, आप एक महीने के अंदर ये ना कहें कि वो कोई बादशाह अकबर के जमाने का जमाना वापस आ गया। एक महीना कभी काम हुआ है, आप सिर्फ कहें कि इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। 85 ऑनवर्ड्स अब तक इनकी देख लें पीएमएलएन की कितनी दफा गवर्नमेंट, और हर दफा यही कहते हैं कि अगर हमें इस दफा आवाम ने मौका दिया हम बड़ा डिलीवर करेंगे। खैर 85 के बाद जो जो काम हुआ, चाहे वो स्लो एंड स्टडी किसी गवर्नमेंट चलता रहा 85 वाला सिनेरियो तो नहीं है। वी हैव मूव फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स कह रहा हूं। हां नहीं, कितने गवर्नमेंट रही पीएमएलएन मूव फॉरवर्ड इन सम वे और द अदर, वो किसी तरह से, चाहे वो सड़क बेहतर है, अस्पताल बेहतर हुआ, कुछ भी हुआ, सबका पिछले 30 साल में जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो वट्टू साहब थे, उनका नाम ले लें ना करें, उसमें उनका नाम ले लें। मेरी बहन अगर मुझे बोलने दें, सुनिए वट्टू साहब, परवेज राय साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब मैंने इसलिए कहा 30 साल में जो पिछले गवर्नमेंट आई हैं सब ने थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है कि आप चाहे जिस पार्टी के भी हो थोड़ा 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 काम को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। किसी के जमाने में ज्यादा हो गया, किसी के जमाने में कम हो गया, मगर द पॉइंट इज के बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये मेरा पॉइंट है। मगर आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को सब्र, मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत हाई प्रेज में जा रही है मोहतरमा मरियम नवाज के, वो आपके अपनी वजूहात हैं, लेकिन वो सवाल तो पूछेंगे क्योंकि वो बहुत खिजे हुए हैं। वो पेट्रोल बॉम्ब गिरेगा, गैस बॉम्ब गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी बॉम्ब गिरेगा, ये लोग तो बहुत तपे हुए हैं। आप लोगों को सब्र ज़्यादा का मुजाहरा करना पड़ेगा, सेम गोज फॉर देम एज वेल, क्योंकि उन्होंने तो आपको भेज दिया है वोट दे के किसी ना किसी तरह अपने यहाँ पे। वोट से नहीं, फॉर्म 47 से सर। सर वो जो भी है, वो चाहे 47 में वोट डाला या जिस तरह, मगर पॉइंट इज कि आप पार्लियामेंट में है ना, सो दैट इज वेयर यू लैंड अप आफ्टर दे हैव सिलेक्टेड यू, आइदर वे, ठीक है। मेरा पॉइंट है आखिरी जो आप पार्लियामेंट में ऐसे नहीं चले गए, किसी वजह से गए, तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। सबर आप लोगों को ज्यादा शो करना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगता है, एज कम्पेयर टू, चाहे ये नून लीग के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, या फिर ये किसी और के सपोर्टर भी हों, मगर आप लोगों को सबर सवाल करना उनका हक है और जवाब देना मेरा फर्ज है, बड़ी फखर से। और एक बेटे आपको बताऊं मेरे भाई, कि आपने जो कहा कि हमें इस चीज जरूरत नहीं है, कसम उठवा लें सबसे ज्यादा वाईफाई आप लोग यूज करते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया के बैन होने का भी आपको दुख है। ये जो मुंडे खंबे के थल्ले बैठे होंगे इतने से ही सिग्नल आ रहा है। हाँ जी, प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है, मेरा सवाल सर से। सर जी, 9 मई के वाक्य के बाद पीटीआई की बहुत सी सीनियर क्यादत ने पार्टी छोड़ दी और कुछ ऐसे भी लीडर थे जिन्होंने सियासत को भी खैराबाद किया दिया, लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जिसकी मोटिवेशन की वजह से आपने पीटीआई को ज्वाइन किया? इन डर और खौफ की वजह से आप इस उन हालात में भी पीटीआई में आए? मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया पीटीआई को। पीटीआई को हम सब ने बहुत देर से ज्वाइन, मैंने 2011-12 में ज्वाइन किया था पीटीआई। हम नज़रियाती लोग हैं, पीटीआई के नज़रियाती वर्कर्स हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इख्तदार है या नहीं है। हम खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और अपने नज़रिए के साथ खड़े रहेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने ये की कि बहुत सारे लोग चले गए, लीडरशिप चली गई, ये सवाल जो है ये मेरा ख्याल है खान साहब इस टाइम हमारे लीडर जो हैं वो भी पाबंदे सलासल हैं, ये इनसे भी पूछना चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्या किया कि वो सब लोग चले गए, उनके ऊपर कैसे प्रेशर्स थे,
और कैसे मामलात थे उनके, उनकी क्या फैमिलीज तक को प्रेशराइज नहीं किया गया? बहुत सारे लोगों ने दरमियान में कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं रह सकते पीटीआई में। जब ये सारी सूरत हाल हो गई और उसके बाद फिर आप लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ डाल दी और हक और सच जो है ना उसका आप लोगों ने साथ दिया। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी वाला था, ये एक रेफरेंडम था जिसको इन्होंने बाद में चोरी किया, 9 को फॉर्म 47 के तहत इन्होंने चोरी किया। लेकिन इसके बावजूद हम लोग आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए बैठे हुए, हम जितने जो के हुए इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बस नहीं सर, तुम अपनी जमानत करा लो, साढ़े लिए वही बड़ी है। चलो ये भी ठीक है। बाहर गया मैं फिर टुर के आवा मैं मार्केट वाले पास निकल गया। शॉपिंग सेंटर में गया ना जी, ते वो जाहिर अरबियन लोग प्यार ते कर देने ना सर, कहिंदा जफियां पाउंदे रहे। फिर मैं ऐं करके शॉपिंग करके ते पैसे देण लगा ते कख भी नहीं सी जेब च। ओ जेब कटी गई जी सर। बाजूकात रख देने सर कोल के, अगर पैसे ना किधर अचानक मिलन तो फिर सोना दे के पैसे। जी मेरा बहुत ही कीमती मोबाइल से वो भी किसी ने कर लिया। ذهبت الى الشرطه في مركز الشرطه لا افهمهم ولا يفهمونني كان میں نزدیکی تھانے چ گیا تے انہاں دی مینوں گل نہ سمجھ اوی تے میری انہاں نوں نہ اوی اوئے ہوئے تے پھر مینوں کال کیتی سر میں گیا جنہاں نال جا کے تے میں ساری انہاں نال گل کیتی تے انہاں نے کہیا جی اسی تہاڈا نقصان پورا کر دیاں گے سر تہانوں پتہ اج کل پولیس بڑی چوکس ہے ہاں ہر ایک نوں انصاف دے رہی ہے ہاں تے انہاں نے کہیا اسی تہاڈا نقصان پورا کر دیاں تے تھانے گیا بڑائی تو تے ہاں جی تھانے ویکھیا اڑا وڈا چھتر او تیرے تو تگڑا ہوندا ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਜੇਬ ਸੀਲ ਹੈ। ਅਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ग्रुप। मियां साहब हां वो हक के सदीक हैं ता मालूम कहने साडे दोस्त है कहने। माशाल्लाह सदीक कैफ हाल अस्सलाम वालेकुम। आरफ या हबीब। ओहो सर तारफ तो करा नहीं। शेख वजन बिन जर्रा। हां जी मिडिल ईस्ट तो जी। मेरा नाम है असफर बिन वडैच। मैं साहिवाल तो है और बरादरी है जी वडैच साहब। हां जी साडी बरादरी सर गुजरां वाले। सर मेरे कुछ वोट जड़े सन ओ गुजरां वाले सन जी। सर जी मेरा वोट जड़ा सी ना जी ओ चीचा वतनी सी। अच्छा मेरी वाइफ दा वोट खानेवाल सी। अच्छा मेरी दो बेटियां दा वोट जड़ा सी ओ ग्वादर सी। अच्छा ते एक मेरी जड़ी बेटी और बेटा सी उनां दा वोट गुजरां दा सी। अच्छा इन्हां ने सालम ऊंट कराया ही ते सारे बह के जांदे ही वोट देने। शेख साहब दी गड्डी रोल्स रॉयस है। फली हबीबी انت سوي حكومه انا يبغى حقي خساره بس كان جي او تواڈی حکومت ہے گی تے میرا ذرا خسارہ پورا کروا دے تھانے والے نوں کہہ کے کہ ٹوٹل کتنا کے پیسے بن گئے انہاں نے انت معافی معلوم سوی فی حساب تقریبا کوئی 260 کروڑ روپے بن گئے۔ کیا بات 260 کروڑ روپے پورا کر دین گے یورش وچوں انہاں نوں پوچھ لو بھی انہاں دا کتنا ہے۔ ਜੇ
जो बाइडन साहब की कॉल आ ना करे यार। मैंने कहंदे ने गुड मॉर्निंग निरगोली, मैं क्या शाम पै गई है, कहंदे ने साडे वाल सवेर होवे ना तुहाडे वाल शाम पै जांदी। ओए खतरनाक गल कीती ने बिल्कुल। मैं क्या सर जी अज किवें अचानक फोन कीता जे। मैंने कहंदे ने यार जदों दी नवी हुकूमत बनी है चक्कर ही नहीं लाया। अच्छा। मैं क्या सर जदों दे तुसी प्रेसिडेंट बने हो तुसी भी ते चक्कर नहीं लाया। मैंने कहंदे ने मैनूं याद है मैं चक्कर लाया सी। मैं क्या उदों तुसी वाइस प्रेसिडेंट सो। यस सर। निरगोली दा दिमाग ते लूंबड़ी दा दिमाग एक है बिल्कुल। मैं क्या सर तुसी प्रेसिडेंट बन गए हो ते चक्कर लाओ। कहंदे ने यार मैनूं लगदा मैं प्रेसिडेंट बनया सर ते मैं चक्कर लाया सी। मैं क्या सर तुहाडे जो हालात चल रहे ने ना मैं लगदा तुहानूं हल्के हल्के चक्कर आ रहे। बिल्कुल। मैनूं कहंदे ने यार ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਹੀ ਤੋ ਡਰ ਲੱਗਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਏ ਆਏ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਓ ਪਛਾਣੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੀ ਜੀ। ਓ ਯੈਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੜੀ ਆਂਖ। ਅੱਛਾ। ਆ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਆਂਖ ਤੁਮੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 6 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਬਈ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਆਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ? ਓ ਯੈਸ, ਮੋਹਤਰਮ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਘਾਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਰ। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਨਰਗੋਲੀ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਨੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ویلکم بیک جی، فرمائیے۔ السلام علیکم، مائی نیم از امیہ۔ میرا سوال میم سے ہے کہ الیکشن جو ہے ان کا ریزلٹ پہلے سے فائنلائز تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ کس نے آنے اور کون نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا، تو اس چیز پہ پھر اتنے ایکسپینڈیچرز اور اتنا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کون سے الیکشن ہے جن کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا؟ 2 ماہ ہو گیا لیکن ابھی تک اس کا ریزلٹ فائنل نہیں ہوا کہ کون ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کوشچن ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ غریب آدمی کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب لندن کیوں گئے تھے اپنا ٹریٹمنٹ کروانے؟ وہ بھی یہاں پہ کرواتے اپنا ٹریٹمنٹ؟ بچے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، 2018 کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن میں مسلم لیگ نون پنجاب میں گورنمنٹ بنا چکی تھی، لیکن اس ٹائم بھی یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी ज्यादतियाँ होती आई, और अभी जो दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून का आया है ये बाकायदा इलेक्शन के बाद आया है, और ये चीज़ें जो आप लोगों ने एनालिसिस तजी आप लोगों ने दिमागी तौर पे बच्चों आपने शुरू कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग वोट की ताकत से सीटों पर बैठे हुए हैं और आपके सामने है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जी मुंतखब कर दिया जाता है और ऐसे हो जाता है। मतलब ये है कि आपने मान लिया ना ये वाला, तो आपने छीना है ना? नहीं, हमने नहीं छीना। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि 18 वाला जो था वो रिक था, ये वाला सही है। सेकंड, जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उनको जाहिर है तकलीफ़ ऐसी थी, और जब आप अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया होता है तो आपका राइट होता है आप बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट कराओ। तो मेरे कायद ने अपना ट्रीटमेंट अगर लंदन में कराया तो मेरे डॉक्टर्स वहाँ पे थे, तो इसलिए उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हुआ, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी अब इलाज वैसे ही होंगे जैसे जदीद तरीके पर लंदन में होते हैं, वही जो वही वाला डॉक्टर आएगा यहाँ पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हादिया जावेद। मेरा सवाल सर से है, जो कैंडिडेट्स पार्टी छोड़ गए हैं वो जिस मर्जी वजह से छोड़ गए हैं, अगर वो दोबारा पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो खान साहब उन्हें कबूल करेंगे? ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है, हम पार्टी के पाबंद हैं। अगर खान साहब ये फैसला करेंगे कि उन लोगों को वापस लेना तो हम कोई कमेंट नहीं उस पर कर सकते, लेकिन मेरा ज़ाती राय और मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि खान साहब ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वो लोग भी आपके सामने मौजूद हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, चौरी जाज साहब हैं, उमर सरफराज सीमा साहब हैं, सनम जावेद है, बहुत लंबी एक लिस्ट है जिन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। मैं समझता हूँ कि राइट सबसे पहला उनका है जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए इस हद तक कुर्बानी दी है कि उन्होंने अपनी फैमिलीज नहीं देखी, अपना जानो माल नहीं देखा, और दूसरी साइड पर वो लोग हैं जो थोड़ी सी तकलीफ आने पर अपने नज़रिए को अपने लीडर को छोड़ के चले गए, उनका राइट बनता नहीं है। बाकी जी अल्टीमेटली फैसला ये खान साहब का, जो खान साहब फैसला करेंगे हम जाहिर है हमें। तो हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, शाहजी जी आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपको उसमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन पे जा सकते हैं, वहां पर अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये आप लोगों की कॉल होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहते हैं? आप खेलना चाहती हैं? अच्छा, आपने ऑफर भी नहीं किया उनको, चले नहीं वो 5,000 देख रहे हैं। शाहजी जी ये बताइए, अगर आप किसी एक इंसान को इनविजिबल कर सकती हो फॉर वॉट एवर रीजन, वो आपके ऊपर है, तो किसको करना चाहेंगी इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राणा सनाउल्ला और जनाब जावेद लतीफ। मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए पूछा मैंने। देखिए मेरी पार्टी से रिलेटेड ना करें, मैंने आगे सारे भी आपके पार्टी के, आप इस थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये सारे सवाल ऐसे ही हैं, तो आप इसलिए मैंने जनरल नॉलेज, आप अगर चाहें जनरल नॉलेज पूछ लेंगे, उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ पे जवाब नहीं देना चाहती। वैसे आगे भी सारे आपके लीडर ही है, जनरल नॉलेज के ऊपर आ गए हैं वो। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है, उनका नाम क्या? ऑप्शन नहीं देंगे? नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, जनरल नॉलेज में सीधा आपको जवाब देना है। नहीं, फिर आप सियासतदानों पे आए, सियासतदानों पे आए, ये देखिए वापस आ गए हम। लीजिए बताइए फिर मैडम, किसको जावेद लतीफ सर? मियाँ जावेद लतीफ को इनविजिबल करना है, भाई इतनी सी बात थी, ठीक है। ये बताइए मैडम कि आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा उसमें आपका किरदार निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है माहिरा खान और सज्जल अली। माहिरा खान होनी चाहिए वो, ठीक है। ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं, एक की स्पीच आ रही होगी तो आप बार बार देखेंगी, एक की स्पीच आ रही होगी तो आप एक बार देख लेंगी, और एक की स्पीच आएगी तो आप फिलहाल अपने कमरे से जरा बाहर चली जाएंगी। ऑप्शन आपके पास जो है वो है जनाब साद रफीक साहब, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार साहब, तो किसकी स्पीच आ रही है? इसहाक डार साहब की स्पीच पहले नंबर पे बार बार देखी जाएगी, एक बार किसकी देखेंगे? ख्वाजा साद रफीक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों मेरे फेवरेट हैं, मगर अब थर्ड ऑप्शन में दोनों को रख नहीं सकती, मैं एक को भी नहीं रख सकती। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? नहीं नहीं, इसी पे रहूंगी और सेकंड ख्वाजा आसिफ रखूंगी, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के सुन के मैं वापस चली जाऊंगी। इसहाक डार साहब की स्पीच बार बार, ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच को एक बार सुन लेंगी और साद रफीक साहब की स्पीच पे फिलहाल बाहर चली जाएंगी। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, आप देखती हैं उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी ले लेंगी, एक को आप स्माइल दे देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अजमा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब, तो ये बताएं कि किसके साथ सेल्फी लेंगी आप? मरियम औरंगजेब साहब के साथ। किन को आप स्माइल दे रही हैं? अजमा बुखारी को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? हिना परवेज भट्ट का। हिना परवेज भट्ट साहिबा का फ्लोर आ चुका हुआ है। चलो ये पिछले पर ले रहे थे, तुम पूछ लेंगे। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोनों को नहीं लेके जाऊंगी।
जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? हाँ नहीं, लेकिन ये कि थर्ड ऑप्शन भी तो रखिए, जब सारों में आपने तीन ऑप्शन रखते हैं, इसमें तीन ऑप्शन मेरे पास इस मॉडल के सिर्फ दो ही हैं। देखिए कुछ आप हमारी मजबूरियों को भी समझे। आसिफ जरदारी साहब होंगे टाइटैनिक के ऊपर, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इन में से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मोहतरमा मरियम नवाज। ओहो नहीं नहीं, ये सवाल स्किप है भाई, मेरे तो दोनों फेवरेट हैं और मेरे लीडरान हैं। और प्राइम मिनिस्टर और सीएम की बात हो रही तो कंपैरिजन आप करा के एक को मैं दोनों लाइफ जैकेट इनको दे दूंगी खुद। आप सब छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए आपके फेवरेट लीडर कौन है? मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए पूरी साल और दिन के साथ। आप इतनी डेफिनेशन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनसे तो पूछने से ना, मैं इससे इजी क्या कर सकता था आपका? आपने कहा मैंने डेट और वो पूछ ली, आपने नहीं बताई, मैं दूसरे सवाल पे चलता हूँ। चले ये बता दीजिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने पहली बार बतौर वजीर आजम हल्फ किस सन में उठाया था? किस सन में उठाया? उस समय छोटी थी। मैं तीसरे सवाल पे जा रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल खत्म हो गया। नहीं, सवाल ही आपको जनरल नॉलेज में तीन ऑप्शन मिलती हैं। मैं तीसरा सवाल भी ट्राई कर लेता हूँ, पहले दो तो मैंने कर लिए। मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान का कौमी तराना जिन साहब ने लिखा उनका नाम क्या था? हफीज जालंधरी। शुक्र अल्लाह। ये आपका साइड पे हो चुका हुआ है, ठीक है जी। मुबारक हो, जान का पेट्रोल हो गया जी। जी सर, शकील साहब आपकी बारी है मेरे भाई, आपको दिखा दिया उन्होंने कैसे खेलना है, तो यू हैव एन आइडिया नाउ। सर ये बता दीजिए, आप अगर एक शख्स को इनविजिबल कर सकते हैं तो वो इनमें से कौन होंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं जुल्फी बुखारी साहब और जनाब शहबाज गिल। शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब होंगे वो। सर ये बताइए, टेलीविजन पे तीन लोगों की स्पीच चल रही है, किसकी स्पीच को आप बार बार सुनेंगे, किसकी स्पीच को एक बार सुन लेंगे, और किसकी स्पीच के ऊपर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो किसकी स्पीच को आप बार बार सुनेंगे? सर इट इज अ टफ वन। जनरल नॉलेज आपके पास मौजूद है? यस। अली मोहम्मद खान को बार बार सुनेंगे। एक बार किसकी सुन लेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब की, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन है जो मुराद सईद साहब है कि आप कमरे से बाहर जा रहे हैं। हाँ, कोई मसला, ठीक है, कोई मसला। सर ये बता दीजिए, उनसे बाद में मैं मिलके पूछ लूंगा क्या कहा। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, वो हैं फैसल वाउडा, असद उमर और जनाब फयाजुल हसन चौहान। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी में खुद आना जरूरी है जी। सर सेल्फी में तो आना पड़ता है, आंखें बंद कर लेना। सर असद उमर साहब के साथ सेल्फी हो जाएगी। इस्माइल किन को दे रहे हैं? मुश्किल ही काम है, लेकिन वार्डर साहब को कहूंगा आपका फ्लोर आ गया। तो इस्माइल आपने चौहान साहब को दिए? चौहान साहब को दे देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और वार्डर साहब आपका फ्लोर आ चुका है, आप चले जाएंगे। सर ये बता दीजिए कि डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, दो लाइफ जैकेट आपके भी पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, महविश हयात और शाजिया साहिबा। मेरी बेगम भी देख रही होगी। मेरा ख्याल मायरा खान। मायरा खान को दे देंगे आप? ये इन्होंने क्या दिया मायरा खान को? लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट। तुसी घर जाके कह दे मैं गलत समझा, मैं इमरान खान समझा। सर टाइटैनिक पे चले आप भी, दो वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास है बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गोहर। बैरिस्टर गोहर होंगे वो, जबरदस्त। इन्होंने कोई जनरल नॉलेज का इंतखाब नहीं किया। शाजिया जी पैसे सिर्फ आप ही जीत के गई हैं, ये बिल्कुल कर गए। पैसे नून लीग के नसीब जी अब जी। मगर ये इनके होंगे। बट शाजिया जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।